بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو صلوات کی عبادت مشترکہ انداز میں سمجھ رہے ہیں. اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میرے انتہائی محترم بابا جی سرکار سید درگام آباد سیاسی کے اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے. یہ دعا کا مجھے حکم ہے، سید در بخت مالک نے شفا کلی عطا فرمائے. عزاداروں کے ذہنوں میں جو دعائیں ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ کسی کا دامن خالی نہ ہو. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعالی فرمائے. نبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے سارے اللہ صلی اللہ محمد وآل درگام شاہ جی مرشد اجازت ہے جی. دنیا کی ذاکری میں بابا جی کا بہت بڑا نام ہے، اور ذاکروں کے جلسے میں ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں. مولوی تو برکت کے لیے آ جاتا ہے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بوجھ بننے کا عادی میں نہیں ہوں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے مجلس تمام کرنی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں جھنگ میں کھڑا ہوں، اور جھنگ مسلمانوں کا شہر ہے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. بسم اللہ بابا سرکار مزمل شاہ جی بادشاہ، ہماری ذاکری دنیا کا بڑا محترم نام ہے، اور میرا خیال ہے میرے بعد مزمل شاہ جی پڑھ لو. پڑھنے والے تو اور بھی موجود ہیں. نالین عباس ذاکر ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے، لیکن بابا مزمل شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت محترم ذاکر، بہت کمال انسان بابا جی مزمل شاہ جی خطاب فرمائیں گے. آپ بھی سوچتے ہوں گے
कि मौलवी जाकर एक दूसरे का ऐलान नहीं करते, ऐलान नाज़िम उमर करते हैं। ये रियाज रिजवी अपनी मजलिस रोक के मुजम्मल शाह का ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये मैं मुजम्मल शाह पे एहसान नहीं कर रहा, आले मोहम्मद के मजहब की मजबूरी है। इस मजहब में बताना पड़ता है कि मेरे बाद कौन आएगा। मुतवज्जे है सरकार साहिबाने गिरामी खतरा। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं कि इस मुसलमानों के शहर में, क्योंकि कैमरे मौजूद हैं, मैं कि गलतफहमी मुसलमानों की दूर करना चाह रहा हूं। इजाजत देंगे आप? गलत फहमी जो दूर करना चाह रहा हूं कि हमारी इन मजलसों का मकसद किसी के बाप दादे का दीन बदलना नहीं है। हाँ, मेरी तारीफ करो। इस मुल्क में यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में तलबा और तालिबात को यह समझाया जा रहा है कि ये मदरसे शिया इसलिए ज्यादा करते हैं कि ये हमारे बच्चों को शिया करना चाहते हैं। मैं पिंडाल में बात कर रहा हूँ, ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहा। जो बंदा ये कहता है कि ये मदरसे इसलिए कर रहे हैं तेरे बच्चों को शिया करना चाहते हैं, सैयदों के मेंबर पे कह रहा हूँ, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। कोई तो तायद करेगा, मुझे थकन का एहसास है आपको। मैं ये लफ्ज फिर कह रहा हूँ, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। हमारी मजलसें तुम्हें शिया करने के लिए नहीं हो रही, मजलसें इसलिए होती है। कल कोई बंदा मैदान हशर में ना कहे मुझे तो बताया ही किसी ने नहीं। बहुत अच्छा, क्या कहना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मामला रह गया तेरे शिया करने का। जितने बंदे मुबल्लिगे आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल शिया करके हमें दे गए हैं, उनके बाद मैं ऐलान कर रहा हूं, हाँ, जिस बंदे के दिल पे हुसैन की मोहर है उसने तो आ जाना। आप जिस दीन पे हो मौलवी जी उसी पे रहो, जिस मजहब पे हो उसी पे रहो, जिन्हें मान रहे हो ना उन्हें मानते रहो। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्हें मान रहे हो उन्हें मानते रहो, लेकिन अपने मदरसों में और दुकानों के थड़ों पे बैठ के सोचो जिन्हें मान रहे हो क्या इनका नाम अल्लाह की नमाज में ले सकते हो? पीछे ना रहो, पीछे ना रहो, पीछे ना रहो। हमें हमें सिर्फ देखें बाबा जी जुरियत शाह जी कसीदे पिंडाल से भी आगे कर गए। मैं सोजी नहीं ला सका, मैं शियों का मौलवी नहीं हूं, मैं खुद भी शिया हूं। बाबा जी आजकल सिस्टम है, बंदे जिस मजहब में होते हैं ना उस मजहब पे नहीं होते। सारे ना ही समझो तो ठीक है। हमने कई बंदे देखे हैं जिनके लिबास हमारे वाले हैं लेकिन वो हमारे नहीं है। मौलवी समझता है ये बंदे शिया करना चाहते, वो ऐसी अगले संभालते फिर रहे। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा, शिया हो गए ना बोलने। और हमने नया बंदा बाबा दरगाम शाह जी नालैन अब्बास यार जरा मुतवज्जे रहना, हमने नया बंदा शिया करके अब करना ही क्या है? अगर पुराना शिया पूछता फिरे कि विलायत की गवाही देनी है या नहीं,
बोले मेरे साथ, ज़हमत फरमाए मेरे साथ। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, आप जिए आप जिए, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं नौलवा दीन से कह रहा हूं, तुमने सारी जिंदगी मेरी कौम के बच्चों को परेशान किया जी। मजलसों में नहीं जाना चाहिए, निकाह टूट जाता। अच्छा, जिनके निकाह अभी हुए नहीं वो एहतियात नहीं आते। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है आप जहनी तौर पे करीब नहीं आ रहे, लेकिन मैं मिंबर पे ऐलान बाबा जी कर रहा हूं, हमारे वसाइल भी नहीं है, हमारी तंजीमों का प्रेशर भी नहीं है, और दुनियादारी में हम बड़ा कोई दावा भी नहीं कर रहे, लेकिन अकीदा हमारा मनवाता इनसे खुदा है। अकीदा हम गरीबों का होता है, दलाल इनके घरों से मिल जाते हैं। बाबा जी सारी जिंदगी इन मौलवियों ने मेरी कौम की जान खाई है कि जी ये क्या होता है जी, जी औलाद वारिस होती है जी, औलाद वारिस नहीं होती जी, जो साथी होते हैं ना वो वारिस होते हैं। तेरे मौलवी खादम रिजवी को दुनिया छोड़े अभी ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ जी, बहुत बड़ा जनाजा हुआ, मैं इसमें बहस नहीं कर रहा, लेकिन खादम रिजवी के जनाजे से पहले तहरीक लब्बैक की मदरसे शूरा ने खादम रिजवी के बेटे को खादम रिजवी का जानशीन मुकर्रर कर दिया। वे खादम रिजवी के बेटे को जानशीन बना रहे हो, पूरे मुल्क में खादम रिजवी का यार कोई नहीं था। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और जो एक लम्हा मुझे इजाजत दे, एक लम्हा मुझे इजाजत दे, जानशीन बनाया गया, परेशान तो नहीं हो रहे? और सुभान अल्लाह करने से एफआईआर में नाम नहीं आता। आप जी भर के मुतमईन होकर मेरी बात पर ध्यान दें। खादम रिजवी का बेटा साद रिजवी है, उसे मौल, अच्छा पहली तो मैं ये गलत है दूर कर रहा हूं कि मौलवी खादम रिजवी मशहद वाला रिजवी नहीं है। दो चार बंदे ने माड़ी चंगी ताईद कर रहे, मैंने क्या कहा, मौलवी खादम रिजवी, खादम रिजवी मशहद वाला रिजवी नहीं, ये मेड इन हिंदुस्तान रिजवी है। नाम इसकी अम्मा या अब्बे ने खादम हुसैन रखा था और अंदरों खादम यजीद का था। इसका ताल्लुक, इनका ताल्लुक उसी कबीले से है जिन्होंने यजीद को जिंदाबाद कहा। मुहम्मद अली के बनाए हुए मुल्क में यजीदियत को जिंदाबाद। मैं इत्तेफाक से मुहर्रम के दिनों में मजालस के लिए यूके में था, मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों के मातमी दोस्तों की काले हैं कि जी सिर्फ पब्लिक यजीद को जिंदाबाद कराची में नहीं कह रही, बल्कि उसमें जी मौलवी भी शामिल थे और बड़े बड़े मोतबर मौलवी उस जुलूस की क्यादत कर रहे थे जिसमें यजीद की तारीफें की जा रही थी। मैंने कहा जी इसमें परेशानी वाली क्या बात है, औलाद को हक होता है अपने अब्बे की बातें करने। बोले मेरे साथ यार, मेरी दाई पे हमारे हमारे जहन पे कोई बोझ नहीं है, हमारे जहन पे कतन कोई बोझ नहीं है। तुम यजीदियत को जिंदाबाद कहो या यजीद को जिंदाबाद कहो, मेरा खुदा जानता है भरे पिंडाल में कह रहा हूं, हमारे जहनों पे कोई बोझ नहीं है। हम तेरे बड़ों का भी मिजाज समझते हैं, हम तुम्हारा भी मिजाज समझते हैं। तुम्हारा किसी को यजीद जैसे को जिंदाबाद कह देना, ये कोई परेशानी वाली बात है? तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता किस किस को सैयदा ना कहना शुरू कर देते, कभी वो सैयदा ना कभी वो सैयदा ना। पूरे मुल्क का मजमा बाबा जी यहाँ पे जमा है और लाइव प्रोग्राम भी चल रहे, मेरी कौम के बच्चे तलबा तालिबात भी सुन रहे होते हैं। मैं मिंबर पे जिंदा बातें करने का आदी हूं, इनका पता नहीं चलता सैयदा ना, सैयदा ना अरबी का लफ्ज है, कोई सैयदो ना कहते हैं,
कोई सैयद ना कहते हैं कि वो जो हमारा सैयद है वो भी हमारा सैयद है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तू किस किस को सैयद कह रहा है जी? बादज पैगंबर अली अफजल नहीं है। कौन अफजल है जी? वो सैयदना, वो अफजल है सैयदना। हमारी एफ आई आर पहले से कटी होती है, सिर्फ मौलवी का नाम डालना पड़ता है। लिहाजा हमें कैप्सूल में दवाई देना पड़ती है, हमें कैप्सूल में दवाई देना पड़ती है। अली अफजल नहीं है, वो सैयदना अफजल है, वो सैयदना। बाबा जी ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान होने का ऐलान कर दे, नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम मुसलमान होने का ऐलान करने के बाद कहे कि मैं मुसलमान होने के बाद पहला दौरा सऊदीया का नहीं करूंगा, मैं पहला दौरा पाकिस्तान का करूंगा, बाय रोड वाघा बॉर्डर से लाहौर आऊंगा। नरेंद्र मोदी लाहौर आने का ऐलान कर दे और लाहौर के मौलवी वाघा बॉर्डर पे बैनर लेके खड़े हो जाएं कि जी सैयदना नरेंद्र मोदी तशरीफ ला रहे हैं, सैयदना सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और कोई तो मुल्क में सोचेगा ये कैसा सैयद है जो कल तक बुत पूज रहा था। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, आप जिए आप जिए। आज जंग के मौलवी जंग से एक तंजीम को एक सीट मिल गई और लाहौर में पंजाब असेंबली से एक करारदाद पास करवाई और उस कानून का नाम रखा तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम बिल। उस कानून में मुतालिबा क्या है कि जैसे हुजूर के सहाबा को रजी अल्लाह कहा जाता है वैसे औलादे मोहम्मद को भी रजी अल्लाह कहा जाएगा। मेरी तरफ देख, करारदाद मेरी तरफ देखे, जहमत फरमा, आने वाले आ रहे हैं बैठ रहे हैं, आप जहमत फरमा, ये जिंदा बातें हैं, ये मौजूद बातें हैं, रूटीन की गुफ्तगू आप सुनते हैं लेकिन ये बातें भी आपके जहनों में होनी चाहिए कि जिन बंदों को हम वोट दे के MPA बना के भिजवा रहे हैं वो वहां पे बैठ के करते क्या है। दलायल से ना मनवा सके, दलायल से जब न मनवा सके तो असेंबली का सहारा लिया। क़यादत की जंग के एक MPA ने और एक दो बंदे और उसके साथी बन गए, एक ये जंग वाला MPA, दूसरे एक दो और मिल गए। ये होते हमेशा दो तीन ही हैं। इन्होंने चालाकी से काम लिया कि औलादे मोहम्मद को हजरत इमाम हसन को रजी अल्लाह लिखा जाएगा, रजी अल्लाह कहा जाएगा, हजरत इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम की बजाय रजी अल्लाह लिखा जाएगा। वो तो इन मौलवियों को समझ ही नहीं आ रही कि वो ताकत कौन सी है जिसने इस कानून पे गवर्नर को दस्तखत नहीं करने दिए। बाबा जी अगर गवर्नर पंजाब अगर दस्तखत कर देते ये कानून बन जाता कि जो बंदा कहीं बैठ के मिंबर पे या ड्राइंग रूम में या दुकान पे दफ्तर में इमाम हसन को हुसैन को अलैहिस्सलाम कह देता उसके खिलाफ FIR हो जाता। ये कानून बन रहा था और कानून बनाने में इन पंजाब असेंबली के MPAs का सबसे ज्यादा साथ, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने बहुत बहुत कोशिश की। ये चौधरी परवेज इलाही का ताल्लुक गुजरात से है, पूरा मुल्क सुन रहा है, मैं गुजरात के इन चौधरियों की पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ कर रहा हूं। इन चौधरी परवेज इलाही के खानदान की पाकिस्तान के लिए वही खिदमात है जो बनू उमैया की इस्लाम के लिए खिदमात।
सारे ना समझो तो ज्यादा ठीक है। चौधरी परवेज इलाही ने खुद भी दस्तखत जल्दी में किए। ऐसा मोडे फाड़ो जगा इन, मैं हूं कसीदा शुरू करा। अच्छा शुरू से यही प्रॉब्लम है, जो ज्यादा करीब होते हैं वही बेपरवाह होता है। आखिर वाले सारे जाग रहे हैं, आप ज़हमत फरमाएं। मुझे मुझे एक बात आपसे कहना है और मुझे आपके असरदार शियों की नई नस्ल तक ये अपीलें पहुंचाना है कि इस मुल्क में क्या क्या साजिश हो रही है। चौधरी परवेज इलाही ने जल्दी करने वाली बाबा जी इंतहा कर दी। उसने एमपीएस को भी ये कहा, मजबूर किया कि इस्लामी कानून है, इस्लाम के तहफ्फुज़ की बात है, इस्लाम की बका की बात है, लिहाजा इस पे दस्तखत कर दो। और अंदर क्या था कि रसूल अल्लाह के बच्चों को रजी अल्लाह कहा जाएगा, हुजूर की औलाद को। अच्छा इत्तेफाक ऐसे है, जब ये करारदाद पेश की गई ना, उसके दो दिन बाद उन्हीं के शहर गुजरात में मुझे मदिल से खिताब करना था। मैंने गुजरात शहर में ये बात कही कि चौधरी परवेज इलाही साहब, आप ये कानून बना रहे हैं कि मोहम्मद के बेटों को रज़ी अल्लाह कहा जाए, जबकि आपका बेटा मोनस इलाही जो है वो एमएनए भी है, पढ़ा लिखा भी है, करीम शेख भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन वो अपने नाम के साथ खाली मोनस इलाही नहीं लिखता, वो नाम से पहले लिखता है चौधरी, फिर लिखता है मोनस इलाही, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो चौधरी परवेज इलाही का बेटा है। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा। मैंने कहा चौधरी हो, तुमसे पूछने वाला ही कोई नहीं कि चौधरी का बेटा चौधरी हो है, सल्लल्लाह के बेटे रजी अल्लाह हो जाते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है हुन नारे ना ही मारो तो चंगे हो। इस बात की तरफ ध्यान दें आप, मैं मिंबर पे एतराफ कर रहा हूं, ये जो ड्रामा तुमने रचाया हुआ है ना, सहाबा किराम को शिया नहीं मानते। कुरान मेरे सिर पे रखो, जिन्ने जोगे हैं सहाबा को हम जी बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ ध्यान दे। मैंने क्या कहा, हम इज्जत करते हैं सहाबा को, ज़हमत फरमाए। मिनट बिल्कुल आखिरी है, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कि हम सहाबा किराम की इज्जत करते हैं। मजमा मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए खामोश है, इसका मकसद यह नहीं है कि मैं अकेला कह रहा हूं। हम सहाबा किबार की इज्जत करते हैं, मैं जंग में कह रहा हूं, तुम्हारे मरकज में खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह सच है कि हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे। और यार बैठ जाओ मेरी जान, इस बंदे को फड़ो यार और बैठ जाओ। और आगे बैठना होता है तो खुदा के लिए पहले आया करो। ये हम सदियों से यही तो समझा रहे हैं कि आना बाद में, नंबर पहले पे कब्जा। मुतवज्जे वक्त बिल्कुल जा रहा है, मैं शिया खतीब मिंबर पे कह रहा हूं, हम सहाबा की इज्जत करते हैं। हाँ, ये जो वजाहत है मुझे करना पड़ेगा, ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन जितनी इज्जत शियों ने सहाबा की है ना, तू तो सोच भी नहीं सकता। और मैं जिंदा दलील दे रहा हूँ, ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर जाते हैं यजीद को रज़ी अल्लाह ने कहते हैं। बात बात मुश्किल आ रही है बाबा जी, कल का मजमा कल से मुसलसल आप बैठे में, सुर वाली बात की बंदा कदर कर लेता है। मौलवियों की बातें बाज दफा सर से गुजर जाती हैं। मैंने क्या कहा है, शिया मर जाते हैं यजीद को रज़ी अल्लाह नहीं कहते। इस बीबी नू केड़ी बीबी कले है जी। मालिक मैं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस खातून की चार बेटियां जो उसे नहीं मिल रही,
अगर किसी साहब को पता हो तो मैं उस खातून से रब्ता कर ले। मुतवजे है सरकार, मैं जल्दी जल्दी बाप खत्म कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा है, मेरी तरफ देखो यार, शिया मर जाता है यजीद को रजी अल्लाह। ओ बाबा जी मेरी तरफ देखे, क्या हो रहा है आपको, शिया मर जाते हैं यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते। बिस्मिल्लाह, मुझे मौका दे, पिंड मुसलमानों का हो, चक मुसलमानों का हो, कच्चे घर की कच्ची छत पे सखी का आलम हो, लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, वो गरीब शिया मौत को कबूल कर लेगा, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कर लेगा। नुकरों पे तबसरा करने की बजाय कभी कोई बंदा ही हमसे आके पूछ ले कि तुम यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते। बात बारीक है, जरूरी नहीं तो आड़े मौलवी ते परचा ही होगा तो तुहानू समझ आऊंगा। जरा सादा सादा भी समझ लिया करो, बात काफी सारी गहरी है, हो सकता है मजमे भरे मजमे में से 20 बंदे समझ ले, 50 बंदे समझ ले, सुता जागता मिक्स मजमा हो सकता है सारे ना समझे। हाँ ये भी हो सकता है कि सारा मजमा ही समझ ले। मैं आज बताना चाहता हूं इन मुसलमानों को ताकि ये इल्जाम दूर हो जाए कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। सहाबा को मैं कह रहा हूं कि शिया मर जाते हैं यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते। बात बहुत बारीक है, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं बहुत गहरी है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। शिया मर जाता है यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। और कभी हमसे पूछो यार शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले कहा था बात मुश्किल है, मैंने पहले ऐलान किया था बात मुश्किल है। बाबा जी हमारा जहन इजाजत नहीं देता, मेरी तरफ देखो मेरा बेटा, हमारा जहन नहीं मानता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो और जो इस्लामी मौलाना मुसलमानों के मजमा में मुसलमानों की मस्जिद में हजरत अबू बकर को रजी अल्लाह कहे, वही मौलवी उन्हीं मुसलमानों में यजीद को भी रजी अल्लाह कह देता है। और शिया दुश्मनी में पागल ना बनो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यहीं पे मजलिस तमाम कर लो जी, बिस्मिल्लाह, यहीं पे मजलिस तमाम कर लो। मैंने जी, मेहरबानी सर, एक मालिक आप सबको खैर और सलाम रखे और नजरे बद से बचाए। ये फिक्र बस आखिरी मैं आज की मजलिस के हवाले से कह रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि हम सहाबा के बार को इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान भाई हमसे ज्यादा सहाबियों को मानते हैं। बाबा जी मेरे मोहतरम में भाई है जो जरूरत से आ सकते ना कि मैं अपनी मर्जी नाल मजलिस सजूं, ते आज मैं भी आ सकता। हद हो गई यार, आप ध्यान नहीं देंगे मुझे दुख होगा। मैंने क्या कहा है कि हम सहाबा की इज्जत करते हैं, लेकिन ये सच है यार, ये सच है, गलत है इसमें बात कोई भी नहीं है कि हमारे भाई मुसलमान हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते हैं। आप अल्लाह करे ताईद कर दे, ना भी करें, मैं सच कह रहा हूं कि मुसलमान हमसे बहुत ज्यादा सहाबा को मानते हैं, सहाबा की इज्जत हमसे ज्यादा। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह करे इस बात पे आप जहनी तौर पे करीब आ जाए, ये जो हमसे भी ज्यादा सहाबा को मानते हैं क्या इस पोजीशन में है कि हजरत अबू बकर को अलैहि सलाम कहते ना 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 ना, पूरे मजमे की, मुझे पूरे मजमे की ताईद चाहिए। मैं पंजाब असेंबली के उस कानून का पूरे नतीजा जिम्मेदारी से उस कानून पे तबसरा कर रहा हूँ कि मिल्लत जाफरिया का ये तबसरा है जो आप पंजाब असेंबली में कानून बनाते फिर रहे हैं। जैसे हजरत अबू बकर को, जैसे हजरत
फकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, वैसे इमाम हुसैन को रज़ियल्लाह नहीं कहा जा सकता।